गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। We'll start in a minute. Hey, what we have done. ओके तो बेटा हमारे चैप्टर में जो वी हैव गॉट थ्री थिंग्स आर देयर। वन इज कॉन्ग्रुएंसी, देन इज द थ्योरम इज देयर, टू थ्योरम्स आर देयर, दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम एंड द ग्रेटर साइड विल हैव ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, है ना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेवेंथ में भी किया था हमने, दैट सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। उस थ्योरम का प्रूफ है ना, दैट विल बी देयर दिस ईयर, ठीक है। तो लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चंस ऑन कॉन्ग्रुएंसी। पूरे चैप्टर में 80% जो है आपके कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस हैं, 20% जो है वो जो दो थियोरम्स हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी एंड ग्रेटर साइड एज ग्रेटर एंगल, उन पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज हम लेवल वन के साथ एक दो लेवल टू के क्वेश्चन और देखेंगे एंड देन विल स्विच ओवर टू द ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। चलें जी सॉल्व करें ये क्वेश्चन। यहाँ पर बेटा आपको ये जो फिगर में गिवन है ना, दैट इज व्हाट इज गिवन टू यू, टू साइड्स ए बी एंड बी सी आर ए बी एंड बी सी एंड मीडियम ए एन, ठीक है, ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल्स टू द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड द मीडियम पी एन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका इक्वेलिटी है, ये इक्वेलिटी जो है दिस बी एन तो है ही इक्वल, बट एम सी है ना, क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन इज द लाइन विच जॉइंस द सेंटर पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, है ना। तो ये आपका इसके इक्वल है और दोनों साइड इक्वल हैं, दस हाफ ऑफ देम आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। आपको प्रूव करना है ना, इसको छोड़ देते हैं। यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। पहला स्टेप तो जो देखते ही पता चल रहा है ना, विच आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू, दैट इज दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। कैसे कॉन्ग्रुएंट है बेटा ये, बाय SSS. वेरी गुड, इम्प्रेसिव। अब मुझे बताएं, हाउ कैन यू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट
टू ट्राइंगल पी क्यू आर. हाँ जी मृणाली आप बोले. यस सर. सर वहाँ पे एक सर एक प्रॉपर्टी होती है कि दैट द मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इन टू इक्वल हाफ्स. तो सर इफ वन वन हाफ इज इक्वल देन सर वो पूरा ट्रायंगल इक्वल होगा. वो सर हम एरिया को एक्स लेके भी कर सकते हैं. इम्प्रेसिव मृणाली आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है दैट द ट्रायंगल डिवाइड्स द मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरियाज है ना. तो अगर ये एरिया वन एंड टू इक्वल है तो एरिया थ्री एंड एरिया फोर भी इक्वल होंगे. बट दैट डज नॉट मीन दैट द ट्राइंगल थ्री एंड ट्राइंगल फोर विल बी कॉन्ग्रुएंट है ना. कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है आपको यहाँ पर, एरिया नहीं प्रूव करना है. शौर्य मलिका बोले. सर वो ए एम सी जो है अगर हम उसको x ले लें तो पी एन आर भी x हो जाएगा. तो एस ए एस से हम कर सकते हैं. इफ दिस इज x मेरे को ट्रायंगल कौन से प्रूफ करने हैं बेटा? बड़े वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं. यस सर. सर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली बड़े ट्रायंगल भी हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट. ठीक है फिर आप ऑटोमेटिकली बोलेंगे कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हैं एंड देन यू विल से दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बट कुछ और डायरेक्ट आंसर लेट्स से परमवीर. सर जो ट्रायंगल एएमसी है और जो ट्रायंगल पीएनआर है सर वो ऐसे ओके लेट्स से आई बैन यू टू यूज दिस ट्रायंगल्स है ना. मैंने आप लोगों को बैन कर दिया ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कर सकते बिना उसको प्रूव किए आप बताएं. पावनी आप बोले. परमवीर आप बिल्कुल सही बोल रहे थे बट प्रेजेंटली नॉट एक्सेप्टेड. सर एंगल भी और एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि सर PQN और ABM सर. हां जी वेरी गुड. ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 आर कॉन्ग्रुएंट. ये वाली साइड तो बेटा गिवन ही है इक्वल है. ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया ठीक है. और ये साइड ये पूरी साइड तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये इसके इक्वल है. तो बाय एस ए एस है ना एस ए एस से बोथ द ट्रायंगल्स बिगर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. आप जो सब बोल रहे थे वो भी बिल्कुल करेक्ट था. ओनली थिंग इज थोड़ा सा बड़ा मेथड था. सर सीपीसीटी यूज किया है एंगल बी और एंगल क्यू को. सबसे हाँ सबसे पहले हमने बोला ट्राइंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टू. दिस वाज़ द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप वाज एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय सीपीसीटी ठीक है. ये था बाय एसएसएस. देन इन थर्ड स्टेप वी सेड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय SAS. ठीक है जी. लेट मी पोस्ट दिस ऑन द ग्रुप एंड नाउ वेलकम टू द वर्ल्ड. विल टेक लेवल टू क्वेश्चंस. ठीक है. लेवल टू का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही दुनिया के क्वेश्चन है ना. ओनली थिंग इज स्लाइटली मोर ट्रिकी दैट्स ऑल. नॉट स्लाइटली मोर डिफिकल्ट स्लाइटली मोर ट्रिकी एंड दैट्स व्हेन वी फील स्लाइटली मोर डिफिकल्ट. लेट मी पोस्ट इट ऑन द ग्रुप. ओके चले जी कुछ क्वेश्चंस. कौन सी फिगर है ये? फाइव
आप लोग बताते नहीं, स्क्वायर लग रहा है सर। हाँ स्क्वायर, ठीक है। और ये मैंने क्या किया है सर, एक ट्रायंगल बनाया दो, ऐसे ही अरा गहरा ट्रायंगल लग रहा है, 90 degrees. दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। थोड़ा सा सोचें, देन आई विल डिस्कस इट आउट। सर चैट बॉक्स नहीं नहीं जस्ट रेज योर हैंड। ओके दैट्स आवर प्रॉब्लम रिक्वेस्ट। ओके एवरीवन थिंक अबाउट इट, 2 मिनट्स मोर। Okay, very good, Kuti. ओके पहले हम कुलप्रीत से पूछते हैं। हाँ जी कुलप्रीत बताएं। यस सर, आपकी फिगर, यस सर, एडी और बीसी पैरेलल है तो उसके हिसाब से जो एएम है वो इंटरसेक्ट कर रही है डीएन को जो कि एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं, परपेंडिकुलर इज 90 डिग्रीज।
दोबारा बताएं, AD एंड BC आर पैरेलल. यस, AD एंड BC आर पैरेलल एंड AM जो है वो DN को इंटरसेक्ट कर रहा है. एंड उसके अकॉर्डिंग जो DN उस पे परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये ये परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पे. एंड परपेंडिकुलर इज 90 डिग्री. नहीं बेटा, देखो कन्विंसिंग में को समझ में ही नहीं आया एक्चुअली. ये दोनों पैरेलल हैं, आप कह रहे हैं AM जो वो इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. अब पैरेलल में इंटरसेक्ट कर रहा होता है तो ये एंगल हम बोल सकते हैं इसके इक्वल है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं आप. 90 डिग्री कैसे बोल रहे हैं दोबारा बताएं. सर, DN पे परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है ना 90 DN पे, वो प्रूव करना है आपको ये 90 डिग्री है. दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव. ठीक है, यू हैव टू प्रूव दैट जो गिवन है वो ये है कि ये मिड पॉइंट्स हैं, ये गिवन है आपको. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे गिवन, गिवन इज ABCD इज अ स्क्वायर. सेकंड थिंग गिवन इज BM इक्वल्स टू MC एंड AN इक्वल्स टू NB, ये गिवन है आपको. ठीक है, देन कम्स योर टू प्रूव. That to prove is DN is perpendicular to AM. This is you have to prove. Shaurya Malik, आप बताएं. Sir, हम BM को अगर X ले ले, जो अब तो BM P ले लेते हैं, okay? नहीं नहीं sir, BM. BN को आप X ले रहे हैं. हाँ ठीक है, ये X है, ये X है, ये X है, ये सारी चीजें X है. Yes sir. तो सर जो ए बी एम है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया डी ए एन के. ओके, प्रूफ में ही सेइंग फर्स्ट थिंग इज, हाँ जी, कौन से ट्रायंगल बोल रहे हैं आप, फिर से बोलें. ए ए बी एम ए डी एम ए बी बी. ओके, ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ए एन, डी ए एन. ठीक है, बाय एस एक्स. ये दोनों ट्राइंगल जो है वो बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट है. इसको फिर से लिख लेते हैं, ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए एम. ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, बिकॉज योर ए बी इज इक्वल्स टू डी ए. ठीक है, इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर. एग्री कर रहे हैं सब. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड ए बी एम, बी एम इज इक्वल टू ए एन इक्वल टू हाफ ऑफ साइड. ठीक है, सो बाय एस सी एस दे आर कॉन्ग्रेट. ओके, वेरी गुड. सेकेंड स्टेप सर, उसके बाद उसको ए एम, एंगल ए एम बी को हम अगर अल्फा मान ले, इसको अगर हमने अल्फा माना तो बाय, हाँ जी, सीपी सर, ये वाला एंगल ये अल्फा हो जाएगा. ठीक है, तो यू आर सेइंग एंगल ए एम बी इक्वल्स टू एंगल डी एन ए इक्वल्स टू अल्फा. ओके, तो सर ये ए डी और बी सी पैरेलल है और वेरी गुड, AM transversal है तो. So angle ADAP, angle DAP, ठीक है बेटा. पहले तो उसने ये बोला कि सर ये दोनों triangles angles हैं ये same है क्योंकि congruency है. Then he saying कि ये वाला angle ये भी alpha हो जाएगा. ये alpha क्यों होगा, क्योंकि lines parallel है ना, वो वाला part जो कुलप्रीत ने बताया था. ठीक है, so we'll say that DAP is equals to alpha. ठीक है, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. ओके, नेक्स्ट. एंड सर ए डी एन जो होगा वो होगा 90 माइनस अल्फा. वेरी गुड. इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी ए एन ही सेइंग कि आपका सर अल्फा प्लस 90 डिग्रीज प्लस एंगल ए डी एन इज 180. चेक करें एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी से,
तीनों एंगल्स हैं वो 180 डिग्री हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा कितना बचा, 90 माइनस अल्फा। तो अब थर्ड स्टेप में ही इज टेकिंग इन ट्राइंगल डी ए पी, ट्राइंगल डी ए पी इस ट्राइंगल में, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस एंगल ए पी डी इज 180 डिग्रीज, देयरफॉर एंगल ए पी डी इज 90 डिग्रीज। इम्प्रेसिव है ना, दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी कॉन्सेप्ट सारे जो हैं ऐसे हैं कि आप सेवेंथ क्लास स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओनली थिंग इज डाउट्स विल बी रेज्ड, तो आपके भी कोई डाउट्स हैं बेटा, कुछ कुछ समझ में नहीं आया प्लीज आप करना। अगर हम इसके चारों तरफ एक सर्कल बना दें, क्योंकि 90 हाँ, तो हाँ, कुछ ऐसा रूल है कि स्क्वायर ये दोनों डायमीटर एडी और ये एएम डायमीटर बन जाएंगे। नहीं 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 नहीं, अगर सर्कल आप बना रहे हैं बेटा तो वो आपका ए बी सॉरी बी डी जो है वो डायमीटर बनेगा, डी एम थोड़ा ना बनेगा डायमीटर। सो बी एम नहीं, ए एम, ए एम, ए एम भी डाया नहीं होगा ना, डाया तो ए सी होगा फिर, ठीक है ना। आपने अगर ऐसा करके सर्कल बनाया तो ए सी जो है वो डाया होगा। ओके सर, सर वो ए ट्रायंगल डीएएन के बाद फिर से समझा देंगे। हाँ जी, कौन सा स्टेप बोल रहे हैं आप, इसके बाद? नहीं सर, वो नीचे जो आप जब आपने एंगल तो प्रॉपर्टीज यहाँ से थोड़ा ऊपर ए ट्रायंगल डीएएन। अच्छा, इन ट्रायंगल डीएएन, ठीक है, ओके। तो बेटा अब मैं अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में ये तो मेरे पास अल्फा है ही, दिस इज अल्फा विद मी, ये तो मैंने अज्यूम ही किया था शुरू में अल्फा है, ठीक है, और ये राइट एंगल है बिकॉज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से ये एंगल राइट एंगल है। तो ये जो एंगल बचेगा, ये एंगल कितना बचेगा हमारा, दिस एंगल लेफ्ट विल बी 90 माइनस अल्फा, चेक करें एक बार। तो मैंने तीनों एंगल का सम लिखा है ना, अल्फा 90 एंड एंगल ए डी एन इज 180 डिग्रीज, देन आई एम सेइंग एंगल ए डी एन इज 90 माइनस अल्फा। हाँ जी बताएं बेटा, समझ में आया ये पार्ट? यस, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने बड़े ट्रायंगल की जगह फिर ये छोटा ट्रायंगल लिया है ना, इस छोटे ट्रायंगल में ये एंगल अल्फा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला अल्फा था और ये दोनों लाइन, दिस टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे थे ना। फिर उसके बाद इस ट्रायंगल में हमने फिर ये प्रूव कर दिया कि ये एंगल 90 डिग्री है, ओके, यस। आगे करें? यस सर। ये कौन सी फिगर है? पैरेललोग्राम, और ये उस पे स्क्वायर ए बी सी डी ई एफ। यू हैव टू प्रूव दैट
AE is equal to BF. थोड़ा सोचें इसे. हाँ जी अवनी प्रताप आप बोले. यस सर. तो पहले सिंस ईएफडीसी से स्क्वायर एडी विल बी इक्वल्स टू एफसी. ना ना कौन दोबारे बोलें क्या कह रहे हैं. ईडी इज इक्वल्स टू आई थिंक आपकी आवाज ही नहीं आ रही है. किसी और को आ रही है अपनी की आवाज. नहीं ना. रिनाली आप बोलें अब. यस सर. सर क्योंकि ई एफ डी सी एक स्क्वायर है तो ई एफ वुड बी इक्वल टू डी सी. फिर सर डी सी ए बी एक पैरेललोग्राम है तो फिर सर डी सी विल बी इक्वल टू ए बी. ओके वेरी गुड. तो फिर सर डी ए विल बी इक्वल टू सी बी. फिर सर डी ए विल बी इक्वल टू सी बी एंड सर ए बी विल बी इक्वल टू एफ सी. ओके. सो सर सर वो फिर एंगल इक्वल फॉर्म होगा ए डी ए विल बी इक्वल टू एफ सी बी क्योंकि सर अगर हम ऐसे फॉर्म करेंगे तो इक्वल होता ही होता है. ऐसा थोड़ा बोलेंगे इक्वल होता ही होता है. आपने जो बोला एक मिनट लेट मी कंप्लीट ऑन दिस. ठीक है मृणाली ने यहाँ पर बोला है कि सर ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है और डी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है इसलिए तीनों इक्वल है. नेक्स्ट आई विल से दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ठीक है एंड देन आई विल से दैट सी डी इज पैरेलल टू ई एफ. देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ. ठीक है फ्रॉम वन एंड टू. नाउ आई विल से इन quadrilateral, in quadrilateral A, B, F, E. देख लें आप कौन से quadrilateral की मैं बात कर रहा हूं. In quadrilateral A, B, F, E as one pair of opposite side is parallel and equal. Therefore, ABFE is a parallelogram. Quadrilateral में अगर एक pair of side parallel के साथ साथ equal भी हो जाती हैं, ठीक है, तो वो हमेशा parallelogram होगा. ठीक है In parallelogram, opposite sides are equal. Therefore, AE is equals to BF. ठीक है ये आपने पैरेललोग्राम वाला चैप्टर यहाँ पर शुरू कर दिया और फैक्ट भी है ट्राइंगल्स वाला चैप्टर जो है वो बेस है पैरेललोग्राम वाले चैप्टर के. ठीक है और यहाँ पर आपने प्रूफ कर दिया है बट अब हम ट्राइंगल वाले मेथड से प्रूफ करेंगे. ठीक है और ये आपने जो प्रूफ किए बिल्कुल करेक्ट है. एब्सोल्युटली नो इश्यूज बट अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से हम इसको लेंगे. सो लेट मी कॉल दक्ष. दक्ष आप बोलें. नहीं पहले अभिक. अभिक ने हैंड रेज किया था. हाँ जी अभिक. यस सर. सर हम ट्राइंगल ई डी ए और एफ सी बी
उसको कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे. वेरी गुड. इम्पैसिव इन ट्रायंगल ईडीए एंड FCB. हाँ जी आगे बोले. FC is equal to ED. Very good. ED is equals to FC. Also CB is equals to DA. So parallelogram है. हाँ जी तो AD है ना triangles के नीचे वही रखें. AD is equals to BC. Okay. और सर एंगल FCB is equals to एक सेकेंड हो गया फिर. एक सेकेंड है ना. ऐसे ऐसे करेंगे तो बेटा दोनों के बीच में स्पेस छोड़ें. और यहाँ पर हाँ कौन सा एंगल बोल रहे हैं आप. एंगल एफ सी बी. हाँ पहले ई डी ए ले लेना. एंगल ई डी ए इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी. तो सर ये दोनों ट्रायंगल ये दोनों क्यों इक्वल हैं पहले ये बताएं सर. क्योंकि वो पैरेलल साइड्स है. और अगर हम पैरेललोग्राम की थ्योरी से भी देखें तो सर ई डी सर वो एंगल ई डी सर वो रिफ्लेक्स एंगल जो अंदर वाला है वो एंगल सी का जो अंदर वाला है उसके 180 माइनस होगा. और फिर से वो बाहर वाला उसके 180 माइनस होगा तो इक्वल होगा. ओके यहाँ पर आई विल से आप एक कंस्ट्रक्शन कर लें थोड़ा इजी वे में अगर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं ठीक है ना. और नहीं तो फिर आप एंगल्स का नाम दे दें है ना. सिंपल सा नाम देंगे. अगर मैंने इस एंगल को इसको एक्स बोला ठीक है तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर. एक्स एक्स और ये पूरा एंगल सर 90 प्लस एक्स. तो एंगल एफ सी बी इज 90 प्लस एक्स. ये एंगल सर 180 माइनस एक्स. 180 माइनस एक्स. तो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है ना. तो एंगल ई डी ए इज 360 डिग्रीज माइनस 90 माइनस 180 माइनस एक्स विच इज 90 प्लस एक्स. अब ठीक है सर. इसकी जगह हम एक और चीज कर सकते थे सर. वो डी पॉइंट है ना सीडी इसकी जगह. हाँ फिर वो कंस्ट्रक्शन हो जाती है हमारी कि इसको आपने एक्सटेंड किया फिर आप बोलेंगे ये एक्स है और ये 90 है ना. बट वो कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहा हूँ ठीक है. बाकी आपने जो किया सर 180 माइनस एक्स क्यों होगा. एंगल सीडी है क्योंकि इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री. पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है. ओके सर ठीक है. तो ट्रायंगल ईडीए is congruent. बेटा थोड़े से स्टेप्स ना यहाँ पर जंप हो रहे हैं 20% ठीक है. किसी को अगर कुछ इश्यूज हो समझ में ना आ रहा हो तो मेरे को बता देना ठीक है. देयरफॉर EA इज इक्वल्स टू BF ठीक है. सो अब एक चीज का ध्यान रखना. ट्रायंगल EDA पहले लिखा है तो उससे रिलेटेड चीजें पहले आएंगी ठीक है. ओके सर. यहाँ पर लिखेंगे बाय सीपीसीटी एंड देन यू राइट डाउन हैंस प्रूफ. इम्प्रेसिव. आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस. और एक नहीं दो दो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. दैट्स व्हाई आई लव दिस पेज. सर ए इज इक्वल टू एफ बी नहीं लिखेंगे. मैंने उल्टा लिख दिया क्या. EA is equals to, बेटा बात तो एक ही है. doesn't make any difference, ठीक है? जो line segment AB है, that is congruent to BA, है ना? So उल्टा भी लिख दिया तो कोई issue नहीं है. But good you noticed it. हाँ जी आज क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगी. ये मैसेज मैंने एक्चुअली अपने फ़ोन से डाला था और मेरे फ़ोन में मैंने चेक ही नहीं किया कि सिग्नल नहीं आ रहा है. तो आई हैव रीस्टार्टेड माय फ़ोन. हो सकता है मैसेज फिर से आ जाए. हो गया जी. अब एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा मुश्किल है बट ये क्वेश्चन आपको शायद आरडी शर्मा की एक्सरसाइज में मिल जाएगा ठीक है. एक और अच्छी बुक है एस चांद है ना. क्लास नाइन्थ के लिए मैथ्स की बुक. एक्सीलेंट बुक है ना. आई लाइक दैट. उसमें काफी अच्छे सॉल्व न्यूमेरिकल्स काफी सारे हैं.
एस चांद पब्लिकेशन बेटा, बट अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी कर ली तो दैट्स गुड इनफ है ना, वो अपने आप में सफिशिएंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स पूरी इनकॉर्पोरेटेड है। सो क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है, तो मैं पहले कंस्ट्रक्शन करूंगा उसके बाद फिर आप लोगों को चांस दूंगा टू डिकोड इट। सो इन अ ट्राइंगल इफ एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड्स इफ एंगुलर बाइसेक्टर इज सेम एज मीडियन देन प्रूव दैट the triangle is isosceles triangle ठीक है। फिगर हमेशा हम राइट साइड में बनाते हैं सो दैट वी हैव सफिशिएंट स्पेस। ये आप समझ आ गया, वन सेकेंड है ना, आई विल गिव यू चांस। इस फिगर में इट्स सेइंग जो एंगुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है ठीक है, सो दिस इज द एंगुलर बाइसेक्टर आई हैव ड्रॉन which bisects the angle into two equal parts. This is A, B, C. And we observe that this is also median. So, ye isko equal parts mein divide kar raha hai. Now, you have to prove that, ye red part mein dikha raha hu main jo proof karna hai, that AB is equals to AC. This is what you have to prove. Understood on this? सो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, हमारे पास जो गिवन है, गिवन इज ए डी इज एंगुलर बाइसेक्टर, सॉरी, एंड बी डी इक्वल्स टू डी सी। टू प्रूव, ये सब नोट कर लेना ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ जी, अब बताएं कौन कह रहा था, समझ में आ गया? नहीं सर, नहीं आता। ओके, तो सभी अपना हैंड लोअर कर लें। सर मुझे आ गया। हाँ जी, तो पहले मेरे नाली आप बताएं। यस सर। सर तो फिर जो वो है एडी कॉमन साइड है, एंगल सी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल बी ए डी, एंड एंगल ये बनी है। हाँ जी, क्या सर? हाँ, ये तो गिवन है कि ये एंगल इसके इक्वल है ठीक है, और बताएं। सो सर वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बी ए। कैसे 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 कैसे? हमें ये गिवन है कि ये कॉमन है, और हमें ये गिवन है बी डी इक्वल टू डी सी है ना। जयश्री आप बताएं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? वेरी गुड, सर वी लाइक हॉर्स, वी लाइक डोंकी, वी डोंट लाइक ASS। खच्चर पसंद ही नहीं है उसको, तो मृणाली कुछ और सोचे। ASS तो वैलिड ही नहीं है ना, ASS कॉन्ग्रुएंसी इज नॉट वैलिड। बोले फिर से क्या कह रहे हैं आप? ASA, क्योंकि सर फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा शायद से। शायद से क्यों फॉर्म करेगा, मतलब ऐसे कैसे राइट एंगल फॉर्म करेगा? आप कैसे कह सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल होगा? किस बेस पे? परपेंडिकुलर तो बोला ही नहीं मैंने कि परपेंडिकुलर है, मैंने बोला एंगुलर बाइसेक्टर है और मीडियन है ना सर। एक सेकंड, मानसवीर आपने हैंड रेज किया था, डाउन कर लिया, कुछ बोला? सर मुझे भी यही लगा था कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके ठीक है जी, अनंत से पूछते हैं। अनंत आप बोले सर वो BD इज इक्वल टू DC ना? हाँ। तो सर फिर सर अगर वो दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब सर पहले वो हो गया, मतलब सर हम लोग डायरेक्टली मतलब वो नहीं कह सकते कि इसको इक्वली डिवाइड करे, मतलब एंगल भी इक्वली डिवाइड करेगा वो। ऐसे कैसे? मीडियन बोला मैंने, आप लोग फिगर से कंफ्यूज मत हो,
मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, रेडी फॉर इट? ठीक है, ये 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 ठीक है, और ये लो जी, और ये आगे से ये वर्ड यूज मत करना, दिख रहा है लग रहा है, ठीक है? अब ठीक है बेटा, अब प्रूव करो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन शो कर सकते? ये लो जी, अब हम बुलाते हैं शौर्य मलिक। सर ए डी बी को अगर हमने थीटा मान लिया, ओके, तो आई लव दैट, है ना? अब आप लोग एक्स वाई जेड की जगह थीटा बीटा अल्फा मान रहे हैं, दैट्स गुड। हाँ जी, तो ए डी सी जो हो गया वो 180 माइनस थीटा, ओके, और जो ए बी डी है वो 180 माइनस 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा, ओके, और दूसरे वाले में माइनस थीटा प्लस अल्फा, नहीं सॉरी, माइनस अल्फा प्लस थीटा, माइनस अल्फा प्लस थीटा, ओके। अब सर अगर हम बीसी के परपेंडिकुलर ए से पास होती एक लाइन बना दें, BC के परपेंडिकुलर, नहीं परपेंडिकुलर नहीं सॉरी पैरेलल, ओके, तो वो जो अल्फा के साथ वाला एंगल है जो ये, यस, अल्फा को इंक्लूड ना करके ये 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा आ गया, ओके, और जो दूसरा वाला है वो 180 सॉरी वो माइनस अल्फा प्लस थीटा, तो सर हम इसको अब कर सकते हैं 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तो उससे सर अल्फा तो कुछ नहीं, सारी कैंसिल, सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 180 इक्वल टू 180 आएगा। Yes. ठीक है, गुड। आप लोग इतना ज्यादा सोच रहे हैं, बट आप लोगों ने ये नहीं सोचा सर ने कहा था कुछ कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, शौर्य मलिक ने कुछ कंस्ट्रक्शन की, वेरी गुड। चलो जी, रेडी फॉर दिस, है ना? देखो मैथ्स इसलिए रिक्वायर्स प्रैक्टिस क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, आई टेल यू एज अ टीचर, मैं आपको बोल रहा हूँ, आउटराइट बोल रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन मैंने लाइफ में पहले नहीं किया होता तो चांसेस फॉर मी सॉल्विंग इट सक्सेसफुली इज ओनली 50%, दैट टू इन मे बी नॉट 5 मिनट्स, है ना, मे बी 20 मिनट्स और 30 मिनट्स। मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैंने पहले कभी नहीं किया जिंदगी में, सो मी सॉल्विंग इट इन 30 मिनट्स चांसेस फॉर दैट इज ओनली 50%। ठीक है, सो एज अ स्टूडेंट आपके चांसेस और कम हो जाते हैं, तो इसीलिए प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स में 90% चीजें तो सही होती हैं, 10% क्वेश्चंस जो है थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ज्योमेट्री में स्पेशली जहाँ पर कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सो यू हैव टू गो थ्रू मैक्सिमम क्वेश्चंस सो दैट वो ट्रिकी वाला पार्ट है दैट गेट्स एम्बेडेड इन योर माइंड। देख लें एक बार इसे, सो कंस्ट्रक्शन इज यू एक्सटेंड एडी, आप एडी को एक्सटेंड करें टू अ पॉइंट ए डैश, ठीक है, सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ए डैश, जॉइन ए डैश सी, लिख लें कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड ए डी टू ए डैश सच that AD equals to DA dash join A dash C। ठीक है, कोई दो ट्राइंगल दिख रहे हैं जो आपको लग रहा है कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं यहाँ पर? अब
यस कौन सा आनंद बोले सर एडीसी एंड डीसी ए डैश नहीं ठीक है यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा देखो ये इसके इक्वल है ये दो साइड ये इसके इक्वल है ना ये तो इंक्लूड करनी पड़ेंगे ना आपको और ये कौन सा एंगल है एंगल. ये कौन सा एंगल है वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट तो कैन आई से ट्रायंगल ए डी बी ठीक है ना इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश डी सी ठीक है दिस आई एम लीविंग टू यू चलो इसको प्रॉपरली सॉल्व कर देता हूँ मैं ठीक है सो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ए डैश सी सो विल से दैट ए डी इज इक्वल टू डी ए डैश बाय कंस्ट्रक्शन एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश डी सी वर्टिकली अपोजिट एंगल बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन So triangle ADB is congruent to triangle A dash DC by SAS. Okay. So you will say AB is equals to A dash C by CPCT. But अभी हमारा proof नहीं हुआ ना? अब प्रूव करें कि ए डैश सी जो है वो सी ए के इक्वल है ठीक है रेज योर हैंड इफ यू कैन प्रूव भाई आपने ये तो प्रूव कर दिया है ना आई होप यहां तक सबको क्लियर है कि ए बी और ए डैश सी जो है वो इक्वल है अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए डैश सी एंड ए सी भी इक्वल है ठीक है देन वी कैन से दैट ए सी एंड ए बी बोथ आर इक्वल आई विल वेट है ना शौर्य मलिक वेट करेंगे हम सॉरी अपनी आई मिस योर मैसेज ऑन चैट बॉक्स आप एक बार माइक टेस्ट कर लें अवनी आप माइक यूज करके बोले सर कैन यू हियर मी आई विल एक्नॉलेज इट ठीक है देन आई विल गिव यू चांस नेक्स्ट टाइम यस सर आई कैन हियर यू नाउ वेरी गुड चलो योगांश से पहले पूछते हैं हां जी योगांश यस सर 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 एंगल बी ए डी अल्फा है और सर हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया तो एंगल डी ए डैश इंप्रेसिव वेरी गुड युगांश युगांश कह रहा है कि सर हर चीज में ना कॉन्ग्रुएंसी घुसाने की जरूरत नहीं है ठीक है युगांश कह रहा है ट्रायंगल वन और ट्रायंगल टू कॉन्ग्रुएंट है बाय सीपीसीटी ये वाला एंगल युगांश कह रहा है सर अल्फा हो जाएगा है ना ही इज सेइंग एंगल डी ए डैश सी ठीक है इज अल्फा ठीक है दिस इज ऑल्सो बाय सीपीसीटी देन ही सेइंग ट्राइंगल ए सी ए डैश इज आइसोसेलेस ट्राइंगल देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू ए डैश सी ठीक है दिस इज वन दिस इज टू From 1 and 2, okay? From 1 and 2, you will say that AB is equals to AC. Hence, proof. Very good, Yogansh. आप भी यही कर रहे थे, शौर्य मलिक? Yes. Very good. अच्छा क्वेश्चन था ना ये. Construction के बाद भी अच्छा था ये. मतलब construction बताने के बाद भी it was taking some time.
आगे करें। यस ओके एबीसी जो है बेटा ये आपका जो है इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लेट्स मेक इट दिस इज बी ए सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ठीक है। एम एन एन आर पॉइंट्स ऑन ए सी सच दैट एम ए इज इक्वल टू एम बी। तो ये मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स डाले हैं दिस इज एम वन सेकेंड एम ए इज कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल टू एम बी एंड एन बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एन सी। दिस इज एम this is n. now given is ma is equal to mb ma is equal to mb and nb is equal to nc nb is equal to nc you have to show that bc prove karna hai na nahi ye sari cheeze to given hai sab kuch haan ji aapko prove karna hai a m b n C and B are congruent. सही आला मुझे आता है मतलब अभी से मैंने किया हुआ है आले कई बार। I'll ask you first. Given is मैं बता देता हूँ given क्या आपको given है AB is equals to BC यह एक isosceles triangle है ठीक है। उसके अलावा आपको क्या given है AM is equals to BM and given is bn is equals to cn. to prove aapko prove karna hai triangle amb is congruent to triangle cnb theek hai ye aapko prove karna hai and proof ab ye question maine first time dekha life mein theek hai let's see iska proof kaise hoga haan ji kaun tara tha pehle thoda sa time de na One minute for everyone to think on it. चले जी सबसे पहले अनंत को बुलाते हैं। हाँ जी अनंत। हाँ हम लोग इसमें सबसे पहले जो हमारा ए है उसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। ए को एक्सटेंड किस साइड से करेंगे ऐसे मत ए को पॉइंट एक्सटेंड नहीं होता है लाइन सेगमेंट एक्सटेंड होती है। आप बोलो सर बी ए को एक्सटेंड करेंगे या एम ए को एक्सटेंड करेंगे। सर हम लोग ए सी। हाँ जी आप थोड़ा सा सोचे एक बार अनंत है ना। जयश्री आप बोले सर ए एम बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो फिर ओके तो सी एन बी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये भी आइसोसेलेस है सर फिर मतलब और ए बी इज इक्वल टू सी सी बी हो रहा है ए बी इक्वल टू सी बी ये तो गिवन ही था ठीक है
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इम्प्रेसिव एग्रीड. दिस इज एक्स सो दिस इज एक्स. सो एंगल ए बी एम इज इक्वल टू सो दिस इज एक्स देयरफॉर दिस इज एक्स. हाँ जी एंड देन कंग्रुएंट हो जाएगा. इम्प्रेसिव एक्सीलेंटो. लेट्स सी हियर. ठीक है तो सबसे पहले जो है शी सेइंग कि सर हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं. शी सेइंग इन ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है ए बी इक्वल्स टू बी सी देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एक्स. यहां तक क्लियर है. Then she is saying triangle one जो है ये isosceles है. ठीक है इस triangle में जो है आपका AM equals to MB है. तो यहाँ से जो है हमें मिल रहा है angle MAB equals to angle MBA equals to X. ठीक है in triangle two, triangle two जो है वो भी हमारे पास isosceles है और ट्रायंगल टू में सेम लॉजिक हम लगाएंगे तो हमें मिल रहा है एंगल एन सी बी. ये तो हमने प्रूव लिया ही है ऊपर एक्स. ठीक है दिस इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एन दिस इज इक्वल्स टू एक्स. देन शी इज सेइंग इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल एन सी बी. ठीक है इन दोनों ट्रायंगल में एंगल एम ए बी इज इक्वल टू एंगल एन सी बी. देन इज ए बी इज इक्वल टू बी सी एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल सी बी एन. ठीक है दिस आर इक्वल टू एक्स. दिस इज गिवन. दिस आर इक्वल टू एक्स. So therefore, triangle AMB is congruent to triangle CNB or BNC. Okay, CNB by ASA, and then we'll say hence proved. But तो मुझे एक स्टेप पूछना था. मतलब मेरे पास एक और तरीका स्टेप पूछना था. मुझे समझ नहीं आया कैसे लिखते हैं. हाँ जी वन मिनट है ना पहले नोट कर लें. ठीक है वी विल हैव 5 मिनट्स ब्रेक उसके बाद एंड देन आई एम पोस्टिंग वन क्वेश्चन एज अ होमवर्क. थोड़ा सोचें उसके बारे में एंड देन वी विल स्टार्ट विद साइंस. अभी नहीं एक मिनट. हाँ जी बोले अब. यस सर. सर मैंने क्या किया है मैंने ट्रायंगल बी ए एन और सर बी सी एम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बना दिया पहले. B-A-N. Yes, B-A-N and B-C-M. B-C-M. HSS से congruent बना दिया. एक दो तीन. हाँ जी ठीक है. तो सर फिर मैंने कहा कि इसमें से ट्रायंगल HSS से ये congruent है नहीं ना बेटा. तो हो तो गए. देखो एक सेकंड है ना आप अच्छा, ये वाला ट्रायंगल बोल रहे हैं ना. ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल में अगर मैंने इसको x ले लिया. ठीक है x तो हो चुका है. इसको मैंने p लिया इसको q लिया तो ये एक साइड p प्लस q हो गई. यस सर. है ना और ये जो दूसरा ट्रायंगल आप ले रहे हैं इस ट्रायंगल में p प्लस q कुछ नहीं है. यहाँ पर सिर्फ p है. ये p है. ठीक है समझ गए ना आप.
सर तो देखने में एक बार क्लिक तो देखते ही क्लिक कर रहा था कि कॉन्ग्रुएंट है बट है नहीं कॉन्ग्रुएंट सर चलो जी ब्रेक है ना 8:05 विल रिज्यूम 3 मिनट ब्रेक साइंस साइंस साइंस